सवाल स्वागत है खड़ा वीडियो में। तो आज हम दूसरे के नाम पे व्यूज छापने वाले, यानी कि थगेस की जैसा एडिटिंग करना सिखाने वाले। तो थगेस भाई ऑलरेडी फेमस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं व्यूज छापने आया हूँ, लेकिन उसका मेथड हम इजीली बताएंगे कि कितना आसानी और आसानी तरीके से, मतलब उससे भी आसान तरीके से आप बना सकते हो इन सारे इफ़ेक्ट्स को जो अपने वीडियोज में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वो अपने वीडियोज में इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा, यानी कि बैकग्राउंड में जो एनिमेशन करते हुए आता है, बैकग्राउंड रिमूव करना, टेक्स्ट ऐड करना वगैरह 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 सब कुछ। ओके सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी भाषण के। अब देखिए थगेस भाई के नाम पे हम आ गए व्यूज छापने के लिए, तो उस तरीके से काम भी करके बताएंगे। इसमें बहुत इजी होता है, लाइक इसके पीछे कोई बैकग्राउंड डालना है तो मैंने उस टाइम पे बताया था, कंट्रोल के करके आप इसको कट कर सकते हो बीच से, एंड कैसे डाउनलोड करना है वो तो मैं बाद में बताऊँगा। ओके इस तरीके से कट करेंगे, एंड इसके ऊपर क्लिक करके आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अल्ट को दबा कर रखना है, एंड दो उंगली होता है ना, मैं यहाँ पे फोटो वगैरह डाल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसे क्रिएट किया जाता है। डिटेल्स के साथ बताता हूँ, सबसे पहले इसको होल्ड करके रखना है कुछ इस तरीके से। ओके ये करने के बाद ये वाला जो बटन है, ये वाला, इसको ऐसे दबा कर रखना है और ऊपर के साइड लेके जाना है कुछ इस तरीके से, तो आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर ऊपर के साथ ड्रैग करेंगे तो इसको कॉपी हो जाएगा, मतलब ये जो क्लिप है वो कॉपी हो जाएगा इजिली। कॉपी होने के बाद हम थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, ओके कुछ इस तरीके से, आगे पीछे नहीं होना चाहिए हमारा जो क्लिप है वो, क्योंकि इसके पीछे टेक्स्ट वगैरह ऐड करने वाला है। किस तरीके से देखिए, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो बेसिक मास्क एआई टूल्स वगैरह वगैरह है, तो इसमें हमको एआई टूल्स में जाना है क्योंकि इसमें एआई दिया हुआ है खतरनाक वाला। अब यहाँ तक टेक्स्ट या इमेज वगैरह डालने के लिए, मतलब पीछे, इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं हम, एआई पोर्ट्रेट एंड स्मार्ट कटआउट का। किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसके ऊपर क्लिक किए तो बहुत, मतलब सीधे शॉर्टकट हो जाएगा, जैसे इसके ऊपर क्लिक किए ये अपने आप पूरा कट हो गया होगा, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर दिखाई देगा, क्विक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर लेके आते हैं। ओके अब ये हमारा जो टेक्स्ट है दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, आप बढ़ाते हैं इसको धीरे धीरे एंड ऊपर लाते हैं कुछ इस तरीके से, आप समझ में आ गया। बस एक ही क्लिक में हमारा ये जो है कुछ इतना ही आसानी तरीके से ये बन जाता है, समझ रहे हो, ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं है। बाद में इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हो तो इसमें और भी ऑप्शंस है, जैसे टाइटल्स में जाएंगे यहाँ पे मिल जाएगा फॉन्ट, किस तरीके का डिज़ाइन रखना चाहते हो, किस तरीके का नहीं, बाकी अपना सभी डिज़ाइन कर सकते हो कैसे, मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो हम फॉन्ट चूज करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये रहा फॉन्ट, अरे कोई बात नहीं, बहुत सारा फॉन्ट इसमें मैं डाल के भी रखा हूँ, डालना कैसे है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा या मैं बाद में बता दूंगा अगर इसका सीरीज अच्छा खासा चला तब। मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट है, इसको रिनेम करना चाहते हो तो यहाँ से रिनेम कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करके अविशंकर यह हो चुका है। अब इसको मतलब पूरा एडिट करना चाहते हो अच्छे तरीके से, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, एडवांस एडिट। ओके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमको ये स्पेशल इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे आउटलाइन, लहसुन, अदरक, मिर्चा, सब कुछ यहाँ से ठीक कर सकते हो, मतलब परफेक्ट बना सकते हो, वही कहना चाह रहा हूँ। शेड वगैरह भी दे सकते हो, दिखाई दे रहा है बिल्कुल आसान तरीके से। उसके बाद यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं एआई पोर्ट्रेट को ऑफ करता हूँ, ये देखिए वो बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट था वो पूरा गायब हो चुका है। स्मार्ट कटआउट में जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा काम आता है अगर एक साथ बहुत सारा बंदा का बैकग्राउंड रिमूव करना है तब, क्योंकि उस टाइम पर एआई कन्फ्यूज आ जाता है इसके कारण। क्लिक टू स्टार्ट स्मार्ट कटआउट के ऊपर क्लिक करना है और इसको भी पूरा फुल कर सकते हो यहाँ से और वहाँ से भी कर सकते हो, आपको बस इस तरीके से मार्क करना है। ये जैसे मार्क करेंगे पूरा चूज कर लेंगे अपने आप, और जहाँ जहाँ नहीं पकड़ा होगा वहाँ पे आप मास्क कर सकते हो, दिखाई दे रहा, जूम जूम हाँ कुछ इस तरीके से, आगे पीछे होगा वो चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद आप बोलोगे कि भैया ये तो हो गया, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिलेगा तो गड़बड़ तो होगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन है क्लिक टू स्टार्ट स्मार्ट कटआउट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप पूरा ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग में दिया हुआ है ब्रो, ये मतलब उतना लेवल का नहीं है लेकिन ये भी अपने लेवल पर बाप है, कहना क्या चाहते हो, आई डोंट नो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आप ज़्यादा हिलते भी हो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ट्रैक कर ही लेता है, बाकी कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है, जैसे ये आउटलाइन में दिखाई दे रहा होगा, ये मतलब मैनेज करना पड़ता है अपने हिसाब से, वहाँ से थिकनेस वगैरह भी हटा सकते हो, जैसा दिखाई दे रहा था, जैसे इसके ऊपर क्लिक किए यहाँ पर आए ये दिखाई दे रहा है, एज थिकनेस वगैरह यहाँ से परफेक्ट कर सकते हो, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ से सेव, ये ज़्यादा हो गया, हटाओ, समझ में आ गया। ये हमारा दूसरा वाला मेथड जिसका इस्तेमाल मैं कम ही करता हूँ अगर जिस टाइम पे ये चीज़ ना ले रहा होता। अब
ये हो चुका है। अब मैं जब भी बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये करो, वो करो, लहसुन करो, तो मैं किस तरीके इस्तेमाल करता हूँ, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, एआई पोर्ट्रेट का इस्तेमाल करता हूँ, ये हो गया, ओके करता हूँ। और मैं जितना भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ टेम्पलेट वगैरह का, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या पिछला वाला वीडियो में मैंने दिया था, उसको देख सकते हो कि कौन कौन सा टेम्पलेट है या साउंड इफेक्ट्स है या म्यूजिक वगैरह, सब कुछ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या पिछला वाला वीडियो देख सकते हो जैसा मैंने बताया। यहाँ से हम इंस्टाग्राम उठाते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ये परफेक्ट तरीके से तो नहीं क्योंकि अभी अभी हमने इसका स्मार्ट कटआउट इस्तेमाल कर लिया था जिसके कारण ये नौटंकी हो रहा है। जैसे ही डालेंगे ये बिहाइंड द टेक्स्ट हो जाएगा, कैसे करना है ये तो मैंने बता दिया। अब इसके अंदर एनिमेशन वगैरह भी दिया हुआ है। सबसे पहले तो जो थगेस के वीडियोज में यूज होता है, जैसे वाइट इफेक्ट रहता है, आड़ी आड़ी से शेडो वगैरह, उसको कैसे ऐड करते हैं ये मैं बताता हूँ, फिर हम एनिमेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं इस तरीके से रखता हूँ ताकि लगे कि हाँ ये पीछे है ना कि आगे। ये करने के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है जिस पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा जो कि मेरे को चाहिए नहीं। यहाँ पे मेरे को आएगा ड्रॉप शैडो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक शैडो आ चुका है। और आप शैडो का ये मतलब क्या कहते हैं सॉफ्टनेस वगैरह बढ़ा सकते हो, लेकिन इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। अब थगेश भाई का जो भी पीएनजी वगैरह आता है या एनिमेशन करते हुए उसमें वाइट कलर रहता है या तो येलो कलर, तो वाइट कलर करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और दूसरा कलर करना चाहते हो तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। ये हो गया। अब बात करते हैं एनिमेशन के। एनिमेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब एनिमेशन डाउनलोड करने के लिए प्रीमियर प्रो या डावेंची में आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं। एनिमेशन में जाएंगे, प्रीसेट एनिमेशन पर क्लिक करेंगे एंड नीचे आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ ड्रॉप डाउन वन एंड ड्रॉप डाउन टू को। जैसे इसके ऊपर क्लिक किए, नीचे आया, सेकेंड वाले में कुछ इस तरीके से एंड ऊपर, पूरा स्मूथली आता है क्योंकि अभी ये रेड हुआ है, ये ग्रीन रहेगा तो पूरा परफेक्ट तरीके से दिखाई देगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया एंड इसको मैं करूँगा छोटा, जितना छोटा रहेगा उतना फास्ट ये काम करेगा। देखिए ये जो AI पोर्ट्रेट है, अभी मैंने स्मार्ट कटआउट की वजह से इसका नौटंकी कर दिया है, ये परफेक्ट तरीके से काम करता है जैसे मैंने उस टाइम पे बताया था। अब देखिए ये तो उतना बड़ा टॉपिक नहीं था, इसमें और भी चीज़ मैं लपेटना चाह रहा था लेकिन लपेट नहीं सकता क्योंकि पहले से ही ये वीडियो लंबा हो चुका है और मैं ज़्यादा मिनट का वीडियो बनाना नहीं चाहता क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा लोग देखते नहीं है इसके कारण। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। इसको डाउनलोड कैसे करना है आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इससे ज़्यादा बोला तो कुत्ता फाड़ देगा मेरा। ओके बाय। अब देखिए मैं ऐसा करता नहीं हूँ लेकिन थगेश भाई के ही नाम पे आपने एक दो स्किल्स नया सीख लिया एडिटिंग के मामले में। मैं फिल्मोरा का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बाद में मुझे स्पॉन्सर करे और मुझे थोड़ा मोड़ा पैसा मिल जाए। यू आर चालाक ब्रो। और थैंक यू सो मच फॉर 4000 सब्सक्राइबर्स। मैंने सोचा था मैं ये कितनी बार बोलूँ, मैंने सोचा था कि ये जल्दी हो जाएगा लेकिन ये जल्दी हुआ नहीं। 4 महीने ऑलमोस्ट लग चुके 4000 करने में, यानी कि तीन चुका 120 दिन। थैंक यू सो मच। ओके सो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ले बाय, टाटा सी यू एंड जय हिंद।